आह्वान किया है कि पूरा भारतवर्ष एक होकर के दिखाए, उसमें आप सहयोग करें। आप भी भारत बंद करने में और होने में शांतिपूर्वक तरीके से सहयोग करें, कर पाएंगे तो आपका और हमारा और किसान का भविष्य बच जाएगा इन दरिंदों के हाथ में जाने से। साथियों, आज मैं आपसे साझा करने आया हूं कि किसान दुखी क्यों है, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, किसान दिल्ली में इतनी ठंड में अपनी जान की परवाह किए बगैर क्यों सड़कों पर बैठा है। 5 जून 2020 को मोदी जी ने ऑर्डिनेंस, जब पूरा हिंदुस्तान कोविड से जूझ रहा था, आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तो ऑर्डिनेंस ला करके 3 नए कानूनों को बनाया। मालूम नहीं कि किसने कहा यह कानून बनाने के लिए। फिर पार्लियामेंट के अंदर 14 सितंबर 2020 को इंट्रोड्यूस किया और आनन फानन में संविधान को दरकिनार करके, संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करके आनन फानन में इसे पास कर दिया। और फिर 27 सितंबर को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का इनको अनुमोदन भी मिल गया और यह कानून बन गया। तो ये किसान साथी पूछ रहे हैं किसके कहने पे किया, किसके फायदे के लिए किया। आपको जानना जरूरी है दो मुख्य बातें जिसका किसान खुल करके विरोध कर रहे हैं और कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और ये दो मुख्य बातें कैसे आपको तकलीफ देने वाली हैं इसका भी जानना जरूरी है, जिससे आप भी किसानों का समझ बूझ करके साथ दे। पहली बात है कि भाई इसकी मांग किसने, किसकी समस्याओं के समाधान के लिए कानून बनाया आपने, इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं। फिर दूसरी मांग है, मोदी जी कह रहे हैं अरे भैया तुम्हारा भला करना चाहता हूं, तुम्हें प्राइवेट प्लेयर्स के आगे एक कॉम्पिटिटिव रेस कराना चाहता हूं जिससे कि आपको बेटर प्राइस मिल सके। किसान कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही कर रही थी कि आज आपको लोकल मार्केट को खत्म करने के लिए वो अदानी जी का जो दुकान नया वाला खुला है वो कह रहा है कि जो मंडी आपको भाव दे रही है उससे मैं दुगना देंगे। अच्छा जी, ऐसा क्यों? इसके पीछे राज यह है कि जब मंडियां घाटे में आएंगी, जब मंडियां उनके पास इतनी आर्थिक ताकत नहीं होगी कि वो जो अन्य है मनी और अदानी के बराबर के माहौल में खरीद सकें, तो मंडियां बंद हो जाएंगी। जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो अदानी साहब जो हैं, जो रेट पहले किसानों को मंडियां दे रहा था उससे आधी देना शुरू कर देंगी। और दूसरा नया कानून का प्रावधान है कि जी जितना चाहो होर्डिंग करो, जितना चाहो सामान जमाखोरी करो, उससे क्या होगा, कल को दिल्ली की मार्केट में सामान उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि कानून उनको इजाजत देता है कि जितना चाहें वो इकट्ठा करें। और दिल्ली में नहीं, पूरे भारतवर्ष की ये बात होगी। इसीलिए किसान कह रहा है कि एमएसपी वाला कानून दे दो, जो हमें चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों को वादा किया गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको देंगे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह इन्होंने ऐसा काला कानून दे दिया। तो आने वाले समय में, मान लीजिए 1 साल में अगर ये कानून टिक गया, वैसे तो लगता नहीं कि टिकेगा ये, क्योंकि आप सबका समर्थन प्राप्त हो रहा है इसको, अगर ये टिक गया तो 1 साल में अदानी की दुकान इतनी अच्छी जम जाएगी कि किसानों को औने पौने में फसल बेचना पड़ेगा, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं होगा आसपास में, और आपको दुगने तिगुने चार गुने पांच गुने भाव में अनाज खरीदना पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि सिर्फ अनाज अदानी के पास ही होगा और किसी के पास नहीं होगा। तो अगर आप भविष्य में आने वाले ऐसे भयावह करने वाले माहौल से बचना चाहते हैं
तो कृपया करके जो कल आंदोलन का आंदोलन के साथियों ने कल किसान साथियों ने आह्वान किया है कि पूरा भारतवर्ष एक होकर के दिखाए, उसमें आप सहयोग करें, आप भी भारत बंद करने में और होने में शांतिपूर्वक तरीके से सहयोग करें, कर पाएंगे तो आपका और हमारा और किसान का भविष्य बच जाएगा इन दरिंदों के हाथ में जाने से। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।